आज एक खिलाड़ी जो कि एशिया के अंदर है, पूरे एशिया के अंदर अपने देश का ही नहीं बल्कि अपने झज्जर जिले का, अपने पूरे गांव दौड़ का नाम रोशन करके आया है अतुल, उसकी खुशी में शरीक होने बहुत से नेता यहां पर पहुंचे हैं। बीजेपी से जिलाध्यक्ष हैं विक्रम कादियान जी, जेजेपी से जिलाध्यक्ष हैं संजय कबलाना जी, अश्विनी दुलेडा और भी कई सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, चेयरमैन है जो की जिला परिषद चेयरमैन है कप्तान बिरदाना जी। तो हम बातचीत करते हैं कि किस प्रकार से जो है आज अतुल को आशीर्वाद मिल रहा है, पूरे एशिया के अंदर इस दौड़ गांव का नाम जो है ऊंचाइयों पर गया। देखिए ये गर्व का विषय है कि दौड़ गांव के इस बच्चे ने, अतुल ने, इतनी मेहनत करके और थोड़े से समय में ही खेल के इतना बड़ा जो है वो नाम रोशन किया है। और ये यूथ जो है, ये यूथ कैटेगरी के अंदर इसने नाम रोशन किया है जो शुरू ही 17 साल से होती है और 21 साल तक जाती है। और ये 17 साल के बच्चे ने ये कारनामा दिखा के दिखाया है तो गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। पिछले दिनों राहुल ने दौड़ गांव में ये कीर्तिमान स्थापित किया था, तीरंदाजी में उसने मेडल लेने का काम किया था, अब ये अतुल। और अब ये लगातार जो है ये रास्ता जो है वो लंबा जाने वाला चलेगा, जो पढ़ाई में भी जो बच्चे इतने कारनामे कर रहे हैं, खेलों में भी जो इतनी अच्छी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं बधाई देता हूँ उसके परिवार को, पूरे गांव को, इस झज्जर जिले को, बल्कि हरियाणा और भारतवर्ष को कि ये इस प्रकार का कारनामा जो है ये तुमने किया है, हमारा सीना जो है गर्व से चौड़ा। जी परंपरा बना दी है तकरीबन कि पहले राहुल बेटा अपना वो गोल्ड मेडल लेके आया, अब अतुल बेटा लेके आया है और आने वाले समय में इसी तरह इस परंपरा को ये आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जिस तरह का सहयोग ग्रामीण समाज का और स्कूल के जो हमारे अध्यापक हैं, क्योंकि देखिए बगैर एक सब सामाजिक सहयोग के बगैर उस मुकाम तक पहुंचना बच्चे के लिए बड़ा कठिन होता है, तो ये पूरे गांव के लिए सौभाग्य की बात भी और पूरे गांव का सहयोग भी है कि आज भाई अतुल ने एक ये एशियन गेम में जो करिश्मा दिखाया है। तो अतुल को भी भाई को कहना चाहूँगा कि ये उनकी शुरुआत है, ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है, इस शुरुआत को इसी तरह आगे बढ़ाते हुए और जो हमारा कॉमनवेल्थ का है उसमें अपना निगाहें बरकरार रखें और पूरे दौड़ के साथ साथ हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन करने का काम करें। तो दौड़ के लिए, पूरे जिले के लिए और हरियाणा प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि आज हमारे युवा साथी उस तिरंगे का सम्मान वहाँ पर जब विदेशों में करते हैं तो हर भारतवासी गौरवान्वित महसूस करता है। आज जो मेडल लेकर के अतुल हमारा बच्चा, हमारा बेटा गांव में पहुंचा और गांव ने, इस समाज ने और भी विभिन्न विभिन्न गांवों से आकर के लोगों ने इसका जो फूल मालाओं से, पैसों से जो सम्मान किया और जो भारत का गौरव इस अतुल बेटे ने बढ़ाने का काम किया, हम तो बार बार शुभकामनाएं देना चाहेंगे, बार बार बधाई देना चाहेंगे इसके परिवार को, इसके गाँव को। बच्चा मेडल लेके आया है, हमें उम्मीद है इन बच्चों से आगे ये भी इससे सीख लेंगे और मेडल लेंगे, ये हमारे गांव के लिए बड़ी खुशी की बात है। जी हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी बच्चे तरक्की करेंगे इस विषय में। जी एशिया के अंदर है, पूरे दौड़ गांव का परचम लहराने वाले अतुल के परिवार के साथ हैं और अतुल भी हमारे साथ हैं। एशिया के अंदर हांगकॉन्ग में आयोजित एशियाई शटलकॉक गेम्स जिनके अंदर इन्होंने ये रजत मेडल जो है वो हासिल किया और अभी अतुल की माताजी हैं। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है आज आपका बेटा जो है, आपके बेटे ने जो है पूरे एशिया के अंदर इस देश का ही नहीं, इस प्रदेश का ही नहीं बल्कि अपने गांव का भी नाम ऊंचा कर दिया, गांव का भी, देश का भी और क्या नाम, पूरे भारत का नाम ऊंचा किया है। मैं बहुत खुश हूँ, मेरा मन बहुत खुश है भाई, मेरे काम का नाम रोशन करा पूरे देश का, बहुत खुश हूँ। और जो माता पिता हैं और बच्चों के, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? जैसे कि मेरा बच्चा कामयाब निकला है, ऐसा सबका निकला है और ये मेरा नहीं है, ये पूरे देश का। जी तो अतुल कैसा महसूस कर रहे हो आज इतना मान सम्मान पाके, महज शायद 17 की उम्र होगी? आज मैं बहुत प्राउड कर रहा हूँ कि अपने देश के लिए सिल्वर मेडल हासिल कर पाया हूँ और आगे से पूरी कोशिश रहेगी गोल्ड लाने की। कहाँ तक की उम्मीद है, किस लेवल तक जाना चाहते हैं? मैं ओलंपिक में गोल्ड लाना चाहता हूँ। तो तैयारी है? यस, पूरी तैयारी। जैसे मेरा भाई आज सिल्वर लेके आया, ऐसे मेरे और अन्य भाई बहन हैं वो भी लेके आए। आपके मन में ये नहीं हो रहा कि काश मैं भी? हाँ वो तो है, पर कोई नहीं, नेक्स्ट बार मेरा।
इसलिए मेरा भाई अगली बार गोल्ड लेके आए ओलंपिक में, और मेरे देश के जो भी बहन भाई हैं वो भी ऐसी मेहनत करें और अपने देश, अपने माँ बाप, अपने गांव का नाम रोशन करें। देखिए भाई साहब, आज अतुल के प्रोग्राम हम पहुंचे हैं, बहुत ही खुशी का माहौल है और इस गांव के लिए बहुत ही ये अतुलनीय क्षण है जो गांव को आज इस बच्चे ने ये खुशी के पल दिए हैं, इस परिवार ने जो खुशी के पल दिए हैं। सबसे पहले तो मैं इनके माता पिता को बधाई देना चाहूँगा और उसके बाद फिर गांव के सम्मानित बुजुर्गों को बधाई देना चाहूँगा। जिस तरीके से बच्चे को जो संस्कार मिलते हैं वो माँ बाप से मिलते हैं, उसके बाद फिर गांव से मिलते हैं, और फिर कहीं आकर के जो इनके जीवन में गुरु का जो रोल रहा है, एक कोच का जो रोल रहता है, वो बहुत ज़्यादा महत्व जीवन में रखता है। क्योंकि बच्चा जो गुरु से अपनी शिक्षा लेता है वो लेकर के इस प्रदेश में, देश में और अपने गांव समाज का नाम रोशन करता है। कैसे आज इस बच्चे ने एक एशिया खेलों में जो हांगकांग में एक प्रतियोगिता जो ही जो स्टल कॉक के नाम से जो गेम है वो मतलब बहुत ही एक एकाग्रता का खेल है, जहां बच्चे को बहुत एकाग्रता रखनी पड़ती है और एक बहुत धैर्य के साथ वो खेल खेलना पड़ता है। खेल तो वैसे सारे ही एकाग्रता और धैर्य के होते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इस बच्चे ने वो किया है, क्योंकि ये पूरा एक पैर से उस जो एक वो होती है ये चिड़ी जो हम बोलते हैं उसको सारा खेल खेलना पड़ता है उससे, और ये बहुत ही मतलब एक धैर्य का और एकाग्रता का है। मैं इस बच्चे को पुनः बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और क्योंकि आज जिस तरीके से हमारे देश में अभी आपने देखा होगा नीरज चोपड़ा जी गोल्ड मेडल लेके आए हैं, उनको अभी देश की बधाइयां चली रही हैं, साथ में ऐसे ऐसे होनहार बच्चे जो गोल्ड मेडल, रजत पदक और इस तरह के जो अपने गांव का, समाज का, देश का, प्रदेश का नाम रोशन करते हैं, उस उन परिवारों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं हैं, उस गांव को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं हैं, जिस वजह से ये समाज देश सम्मानित होता है और देश का, समाज का, प्रदेश का नाम ऊंचा होता है। तो ऐसे बच्चे बहुत प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, और इन्हीं बच्चों से जो आज ये स्कूल में प्रोग्राम किया गया है, यहाँ जो स्कूल के बच्चे हैं इन्होंने इनको बहुत ज़्यादा आज यहाँ एक प्रोत्साहन मिला है इस बच्चे को देख करके, अगर इन बच्चों को, इस बच्चों से जो शिक्षा प्राप्त होगी कि और भी बच्चे अनेकों खेलों में जाएंगे और गांव, समाज, प्रदेश, देश का नाम रोशन करेंगे। मैं पुनः इस परिवार को, इस अतुल बच्चे को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।